अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेटा 3.7 फॉर्मेटिंग आउटपुट। तो आपको पता है कि हम सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अगर हमने कंसोल में कुछ भी प्रिंट करना है, और आपने स्केप सीक्वेंस भी पढ़े थे कि अगर आपने नई लाइन में मूव करना है तो कौन सा स्केप सीक्वेंस यूज़ करना है, या अगर आपने टैब देना है या आपने बैक स्पेस करनी है। तो आपको इस बारे में अच्छी तरीके से इल्म है और आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है कि हम सी आउट के थ्रू जो है वो कंसोल के ऊपर आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आउटपुट को फॉर्मेट करने के मुताबिक। तो जैसा कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट के अंदर कि द सी आउट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स वेज टू फॉर्मेट डाटा एज इट इज़ बींग डिस्प्लेड, दिस अफेक्ट द वे डाटा अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली इन नटशेल क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा डाटा इस तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो तो सी आउट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर देखें, इसने आपको बताया कि ये डाटा है 720। अब 720 को स्क्रीन पर मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले किया जा सकता है। इसको 720 लिख लें आप, या 720.0 लिख लें, या 720. इसके साथ 5-6 0 लगा दें, या इस तरीके से लिख लें। तो ये एक ही डाटा को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। तो द वे अ वैल्यू इज़ प्रिंटेड इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो एक वैल्यू स्क्रीन पर कैसे प्रिंट होगी इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेगा, मुख्तलिफ तरीके आपको बताएगा, मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताएगा कि आप किस किस तरीके से अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। 3.12 ये एग्जाम्पल है, मैं इसको अपने पास विजुअल स्टूडियो में खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये है 3.12, तो हम इसको खोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आप देखें कि उसने कुछ ख़ास नहीं किया इस प्रोग्राम के अंदर। 9 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, num1, num2, num3 अप टू num9, ठीक है। और उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ किया लाइन नंबर 12 के ऊपर इनको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो बस इसने इस प्रोग्राम के अंदर 9 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इन 9 के 9 को प्रिंट किया है, और प्रिंट करते हुए हर वेरिएबल और यानी कि हर वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर, यानी कि एक लाइन में उसने 3 वेरिएबल प्रिंट किए हैं और हर लाइन के अंदर जो एक वेरिएबल है उससे दूसरे वेरिएबल के दरमियान 2 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसने प्रिंट किया है। इसकी आउटपुट इसको चलाते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो इसकी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। देखते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। अच्छा, अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, इसको रन करेंगे तो देखें। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये आउटपुट जो है वो इस तरीके से आई है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो बेतरतीब तरीके से है, मतलब होना ये चाहिए था आइडली कि जो पहला कॉलम है, यानी कि अगर आप इस तरह से देखें तो उसमें तमाम जो वैल्यूज हैं उस तरीके से प्रिंट होनी चाहिए। दूसरा कॉलम के अंदर 5 के नीचे 7 होना चाहिए था, फिर 7 के नीचे 3, 4, 5, 6 होना चाहिए था, और फिर से थर्ड कॉलम के अंदर 8, 3, 7 होना चाहिए था, फिर 1, 6, 2, 3 और फिर 1, 2। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि बेहतरतीब तरीके से जो है ना प्रिंट हो गया। तो वापस हम बुक पे आते हैं, ठीक है। इसने आउटपुट इधर दिखाई भी हुई है। तो अब इसने आपको यहाँ पर सबसे पहले वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा है, क्या सबसे पहले चीज़ उसने आपको बताई कि हमारे पास यहाँ पर सेट डब्ल्यू एक स्ट्रीम मैनिपुलेटर है। सेट डब्ल्यू ये क्या करता है? अच्छा, ये करता है कि ये आपको बताता है, इस सेट डब्ल्यू को आप एक वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। ये सेट डब्ल्यू है, इसको आपने एक वैल्यू पास की जो कि एक नेचर होती है, ठीक है। तो ये सेट डब्ल्यू बेसिकली उतनी स्पेसेस यूज़ करता है वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। आप इस लाइन में देख रहे हैं कि इस लाइन में हमने सी आउट सबसे पहले ये सेट
स्ट्रीम एनुलेटर यूज़ किया सेट डब्ल्यू और उसको हमने 5 पास कर दिया, उसके बाद हमने वैल्यू डिस्प्ले की। तो अब ये करेगा क्या, इस 23 को 5 स्पेसेस में जो है ना वो प्रिंट करेगा। मतलब क्या कि इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 5 स्पेसेस यूज़ करेगा। तो 5 आप देख रहे हैं कि वैल्यू के अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो 3 स्पेसेस के साथ अपेंड कर देगा और वो लेफ्ट साइड के ऊपर कर देगा। ये देखें इस तरीके से, जिसने अभी आपको इसका जो है वो दिखाया है एग्जाम्पल कि वैल्यू 23 है और इसने ये ब्रैकेट्स लगा दी ताकि आपको स्पेसेस का पता लग जाए। तो देखें सेट डब्ल्यू जो है 5 स्पेसेस यूज़ करेगा इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। वैल्यू में देखें 2 डिजिट्स हैं, 3 और 2 2 3, और इसके आगे देखें 3 स्पेसेस हैं। ये 3 स्पेसेस हैं बेसिकली, 1 2 3 स्पेसेस और फिर 2 और 3 प्रिंट हुआ। तो बेसिकली सेट डब्ल्यू जो है उसमें हम विड्थ बताते हैं, उसमें हम स्पेसेस बताते हैं, उसमें हम वो ब्लॉक्स बताते हैं कि कितने कितनी स्पेसेस या कितने ब्लैंक्स वो यूज़ करेगा किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। हमने यहाँ पे 5 यूज़ किया तो उसने 23 को 5 स्पेसेस में जो है वो प्रिंट किया। 2 3 उसके अपने डिजिट्स थे और 3 स्पेसेस उसने अपेंड कर दी, और अपेंड कहाँ किस साइड पर की, लेफ्ट साइड पर अपेंड की। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता फर्ज करें तो फिर ये इस तरह से प्रिंट होना था। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखें फॉर एग्जांपल मैं ये करता कि मैं कहता सेट डब्ल्यू और 6 दे देता और फिर मैं सी आउट वैल्यू करता और वैल्यू में मेरे पास 23 है। तो होना ये था कि ये करता, मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस और 23, ये इस तरीके से इसको प्रिंट कर देता। हमारे पास वैसे यहाँ पे कीज़ होती है जिसे हम इनेबल कर सकते हैं, स्पेसेस व्यू यानी कि वाइट स्पेस करेक्टर हम अनेबल कर सकते हैं, वाइट स्पेस करेक्टर हम अनेबल कर सकते हैं। चलो बहरहाल हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, गूगल पे देख लेते हैं। एडिट एडवांस, ओके एडिट एडवांस, वेर इज एडवांस, सॉरी विजुअल स्टूडियो में दिखा रहा है, मैं विजुअल कोड में देखना है, विजुअल कोड में क्या होता है। As mentioned in the Android space is now in taking in. चलें बहरहाल इसको मैं बाद में देख लूँगा। तो बेसिकली आप देखें कि इस 23 को उसने 6 स्पेसेस में प्रिंट किया, 1 2 3 4 और 5 6, तो दो इसने जो स्पेसेस अपेंड किए वो 4 स्पेसेस अपेंड किए और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे की। तो सेट डब्ल्यू इस तरीके से काम करता है।
ठीक है। तो सेट डब्ल्यू के बारे में आपको पता लग गया। अब देखते हैं इस प्रोग्राम की तरफ, 13.3 की तरफ हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये वही ही प्रोग्राम है, लेकिन इसमें इसने क्या किया है कि 9 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और 9 का 9 को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अब हर बार डिस्प्ले करने के लिए उसने हर वेरिएबल को, जो हर जो वेरिएबल है उसको उसने 6 स्पेसेस के साथ डिस्प्ले किया है। तो जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो पहले आप सी आउट के बाद, यानी कि ये स्ट्रीम एंड प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे डब्ल्यू, और उसके बाद फिर वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे, तो इस वेरिएबल को नम वन को वो 6 स्पेसेस के अंदर डिस्प्ले करेगा। तो इसने इस एग्जांपल के अंदर क्या किया है, जो पिछले एग्जांपल थी उसने उसने बगैर स्पेसेस के आपको दिखाया था, तो कुछ इस तरह की आउटपुट हमारे पास आई थी। ठीक है, और अब इसने क्या किया है कि इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई किया और सेट डब्ल्यू को यूज़ किया है, सेट डब्ल्यू को हमने यूज़ किया है और हर वेरिएबल को हमने 6 6 करेक्टर में 6 6 स्पेसेस दी है। तो इसके से होगा क्या, हमारी जो आउटपुट है ना वो एक अलाइंड फॉर्म में आ जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ तो आप खुद ही डिफरेंस देख लेंगे। तो ये देखें, पहले हमारे पास जो आउटपुट थी अभी वो मेरे पास नहीं आ रही, वो गायब हो गई है वो, पहले तो वो पहले अलाइन नहीं थे, अब देखें लेकिन अब ये अलाइन है, ये देखिए। तो हम इस तरह की आउटपुट को प्रेफर करेंगे, अब जैसे कि हम वो वाली आउटपुट यूज़ करें जिसमें जो है वो आउटपुट जो है वो बेतरतीब उसके अंदर आती है। ठीक है, तो सेट डब्ल्यू का आपको पता लग गया कि सेट डब्ल्यू जो है बेसिकली वो यूज़ होता है कि हमने कितनी स्पेसेस यूज़ करनी है वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और ये सेट डब्ल्यू जो है बेसिकली इस हेडर फाइल में है, देखें इसने हेडर फाइल इधर इंक्लूड की होगी, आईओ मैन आईपी। ठीक है, आईओ मीन इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, मैन आईपी मतलब मैनिपुलेटर है ये। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर है, तो इसके अंदर ये सेट डब्ल्यू मौजूद है, तो ये जब आप फाइल इंक्लूड करेंगे तभी आप सेट डब्ल्यू को यूज़ कर सकेंगे। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। तो अब देखें इस केस में कि अभी एक केस यहाँ पर हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आप देखें वैल्यू के अंदर 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, और जबकि आप यहाँ पर उस 5 डिजिट के नंबर को डिस्प्ले करने के लिए 2 स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये नलफाई हो जाएगा और ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ऐसा काम करेंगे इन इन केसेस लाइक दिस, यानी कि जो ऊपर वाला केसेस है कि जिसके अंदर आपके पास एक वैल्यू में डिजिट ज़्यादा है और आप स्पेसेस सेट डब्ल्यू के अंदर कम सेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सी आउट विल प्रिंट द एंटायर नंबर, सेट डब्ल्यू ओनली ओनली स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशंस इन द प्रिंट फील्ड। ठीक है, तो सी आउट जो है वो उस वैल्यू को पूरी स्पेसेस जितने उसके डिजिट्स हैं उनमें प्रिंट करेगा और इसको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको आपको बता भी रहा है कि सी आउट विल प्रिंट द एंटायर नंबर, सेट डब्ल्यू ओनली स्पेसिफाइज मिनिमम नंबर ऑफ पोजिशंस इन द प्रिंट फील्ड। ठीक हो गया, अ नंबर लार्जर देन द मिनिमम विल कॉज सी आउट ओवर एट द सेट डब्ल्यू वैल्यू। तो एनी नंबर लार्जर देन द मिनिमम वैल्यू विल कॉज सी आउट टू ओवर एट द सेट डब्ल्यू वैल्यू। तो अगर ये नंबर, एनी नंबर लार्जर देन द मिनिमम वैल्यू, तो कोई भी नंबर जो जिसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं तो वो फिर इन इसको इग्नोर कर देगा, इसको इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो ये देखें जैसे ये यहाँ पे उसने सेट डब्ल्यू का इस्तेमाल आपको दिखाया है इस प्रोग्राम के अंदर विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, कि आप सेट डब्ल्यू को डिफरेंट डाटा टाइप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक उसने आपको सेट डब्ल्यू इंटीजर के साथ यूज़ करके दिखाया था, इस एग्जाम्पल के अंदर उसने सेट डब्ल्यू को इंटीजर डबल और स्ट्रिंग जो डाटा टाइप्स हैं उनके साथ यूज़ करके दिखाया है। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम है। तो ये सेट डब्ल्यू है, यहाँ पे हम 5 स्पेसेस सेट कर रहे हैं इस इंट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इंट वैल्यू में 4 डिजिट्स हैं तो एक स्पेस अपेंड हो जाएगी यहाँ पे साथ में, हमने देखा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि सेट डब्ल्यू हमने 8 स्पेसेस यूज़ किए हैं एक डबल वैल्यू प्रिंट करने के लिए, जबकि डबल वैल्यू में 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 स्पेसेस यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे साथ। और आपको पता है स्पेस में, स्पेस हमेशा लेफ्ट साइड पे अपेंड होंगी। ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग के अंदर जो हैं कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11, 12, 13, 13 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो और हम इसको 16 जो है वो स्पेसेस में प्रिंट कर रहे हैं, तो तीन स्पेसेस यहाँ पर राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर इसके अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसी के मुताबिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आपको वो एक नया स्क्रीन मैनिपुलेटर जो है वो बता रहा है, स्ट्रीम मैनिपुलेटर बता रहा है, वो है सेट सेट प्रोसीजन, ठीक है। तो सेट प्रोसीजन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और आपको पता है कि आप वो पता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से होते हैं और प्रोसीजन क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आपने डिस्प्ले करना है और सेट प्रोसीजन यूज़ करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करेगा। तो ये हम इसको देखते हैं और मैं इसी एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये क्या कर रहा है, सेट प्रोसीजन क्या करता है बेसिकली। या हम थोड़ा सा टेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मे बी राउंडेड टू अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और प्रोसीजन, ठीक, विच इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डेट अपीयर बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या प्रोसीजन है वो ये बताती हैं कि कितने डिजिट्स पॉइंट के बाद और पहले डिस्प्ले होंगे। यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर डिस्प्लेड बाई यूजिंग सेट प्रोसीजन मैनिपुलेटर, ठीक है। तो सेट प्रोसीजन मैनिपुलेटर को यूज़ करते हुए आप ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं कितने प्रिंट हों, और ये इस एग्जाम्पल के साथ जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा है कैसे, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 3.15 है एग्जाम्पल, डबल इसने यहाँ पर लाइन नंबर 9 के अंदर जो है वो तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दो को इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। जहाँ ये दो वेरिएबल्स जो हैं इसको डिक्लेयर भी किया साथ ही इनिशलाइज भी किया है, और ये वेरिएबल खाली डिक्लेयर किया है, ठीक है। और इसने क्या किया, नंबर वन को नंबर टू पर डिवाइड कर दिया, कुछ हमारे पास आंसर आ गया। तो जो आंसर हमारे पास आया उसने सबसे पहले इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया, नंबर वन को नंबर टू पर डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको एज इट इज़ उसने डिस्प्ले कर दिया। तो हमने देखा कि अगर हम नंबर वन को नंबर टू पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब वो आपको सेट प्रोसीजन का यूजेज दिखा रहा है। तो सेट प्रोसीजन के अंदर अगर आप 5 पास करते हैं वैल्यू, इसको भी कोई इंटीजर वैल्यू पास होती है, जैसे सेट डब्ल्यू को एक इंटीजर वैल्यू पास होती है, होल नंबर पास होता है, इसको भी एक होल नंबर पास होगा, ठीक है। तो जब आपने सेट प्रोसीजन की 5 और उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्प्ले किया, तो ये क्या करेगा कि इस पूरे नंबर को जिसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं, इस 6 डिजिट वाले नंबर को वो 5 डिजिट्स के अंदर प्रिंट करने की कोशिश करेगा, और क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। राउंड ऑफ के रूल्स आपको पता है कि अगर आखिरी डिजिट जो है जहाँ जहाँ पे आपने राउंड ऑफ करना है, को 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो जो छठा डिजिट होगा यानी कि जो ये वाला डिजिट है, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है, और अगर ये 5 से छोटा है तो उसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे। तो ये रूल तो आपको पता है। तो इसने यही काम किया, देखें जब हमने इसको 5 पर सीन डिस्प्ले किया तो इसने क्या किया कि इस 6 डिजिट वाले नंबर को इसने 5 में कैसे राउंड ऑफ किया कि इसने सब चीज़ें ऐसे लिखी और आखिर में 7 था, वो 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह हमने इस 7 की जगह हमने इसको यहाँ पे 8 कर दिया। इसी तरह हम देखें कि अब इसके अब जो वैल्यू आई हमारे पास क्वेश्चन की, उसको हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ जो है ना प्रिंट करने जा रहे हैं। तो अब इसको वो जो कि 5 डिजिट नंबर है, इसको 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेगा, और फिर वही रूल इस्तेमाल होगा कि ये 8 था आखिर में, 5 से बड़ा है, तो आखिरी वाला डिजिट जो है इसको हम 1 बढ़ा देंगे, तो ये 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद उसने इसको 3 में किया, इस 4 डिजिट नंबर को 3 में किया, तो चूंकि ये 9 5 से बड़ा है तो ये 1 जो है वो 2 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने इसको 2 डिजिट्स में किया, तो चूंकि 2 5 से छोटा है तो इसलिए ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, 4.9 आ गया। और उसके बाद उसने इसको सिंगल प्रोसीजन में किया, तो चूंकि ये अब अपने 9 भी गिरा देना है, तो चूंकि 9 जो है 5 से बड़ा है तो अब ये 4.9 जो है 5 में तब्दील हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, तो इसके अंदर उसने आपको ये बताएगा सेट प्रोसीजन हम कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी बात है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये सारी इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई जो मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आपको एक और चीज़ बता दी कि अगर आप एक नंबर जिसमें 4 डिजिट्स हैं जैसे ये इसने दिखाया, ठीक है, और उसको आप प्रिंट करते हुए 5 उसकी उसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में प्रिंट करना चाहते हैं जबकि उसमें ओरिजिनली 4 नंबर हैं, तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि आप एक नंबर को प्रिंट करने जा रहे हैं और उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं उनकी तादाद कम है जो कि आपने यहाँ पे यूज़ की है
सेट प्रोसीजन के अंदर, तो वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। जैसे इस केस के अंदर फोर है, यहाँ पर डिजिट्स टोटल डिजिट जो है फोर हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आपने सेट प्रोसीजन फाइव यूज़ किए हैं तो वो इसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और अब देखें ये टेबल आप देखेंगे तो आपको सेट प्रोसीजन की मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये नंबर है, ठीक है, और इसको हमने तीन जो है सेट प्रोसीजन इसके में थ्री की है, तो यानी कि इसको तीन डिजिट में प्रिंट करना है, तो हमें ये बहुत सारे डिजिट गिराने पड़ेंगे। तो हम इसको गिराते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये 28.92786 है, ठीक है, इसको हमने तीन तक लेके जाना है। लेट्स डू इट हियर ताकि आपको समझ आ जाए हमारे पास किधर है। ये है जी, तो ये है, इसको हमने तीन डिजिट तक प्रसाइज करना है। तो पहले इसको हम एक डिजिट गिराएंगे, तो एक डिजिट हम गिराते हैं तो देखें जी हमारे पास सिक्स है, फाइव से बड़ा है तो ये नाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मज़ीद गिराएंगे, सॉरी, इसके बाद हम इसको मज़ीद गिराएंगे तो ये नाइन है तो ये फिर एट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको मज़ीद गिराएंगे तो ये एट है तो ये थ्री हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मज़ीद गिराएंगे, क्योंकि ये थ्री है, फाइव से कम है तो ये नाइन हो जाएगा। तो देखें हमारे पास आंसर इधर टेबल में क्या आता है, 28.9, ठीक है। इसी तरह ये है, यहाँ पे सेट पोजीशन फाइव है जबकि इसके अंदर है ही दो डिजिट, तो ये तो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और 109.5 इसको अपने फोर्थ में प्रिंट करना है, तो इसमें ऑलरेडी फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और इसको अपने टू पोजीशन में करना है तो ये भी उसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको ये करवाया था, ये आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक रूल पता लग गया, चीज़ें पता लग गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो ये इसने आपको 3.16 दिखाया है, इसके अंदर जो है वो ये सेट डब्ल्यू का जो है ना वो यूज़ कर रहा है। और ये क्या है, प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है। मैंने आपको ये सब बताया था कि हर प्रोग्राम के शुरू में एक कमेंट होता है, फाइल कमेंट, जिसमें वो बताता है कि प्रोग्राम करता क्या। तो ये प्रोग्राम सिंपल तीन डेज यानी कि तीन दिनों में जो सेल हुई है वो लेता है यूज़र से और उनको फिर ऐड करके टोटल सेल जो है वो दिखा देता है, ठीक है। बहुत आसान सा प्रोग्राम है। तो डे वन में जो सेल हुई वो डे वन में स्टोर कर देता है, उसने चार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए डबल टाइप पे। आपको पता है डबल का साइज़ 8 बाइट्स होता है, तो टोटल बाइट टोटल जो यहाँ पे साइज़ हो जाएगा वो 8 × 4 = 32 हो जाएगा। तो डे वन के अंदर उसने डे वन की सेल यूज़र से ले ली, डे टू के अंदर डे टू की सेल ले ली और डे थ्री के अंदर डे थ्री की सेल ले ली। तीनों को ऐड अप किया तो टोटल सेल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब उसने इसको डिस्प्ले किया, अब देखें, अब इसने जो है इसको डिस्प्ले किया, अब ये आपको फॉर्मेटिंग सिखा रहा है। इसने इसको डिस्प्ले किया और डिस्प्ले करते हुए हर वेरिएबल के लिए सेट 8 स्पेसेस यूज़ किए हैं और प्रोसीजन इसने क्या यूज़ किया, 5, यानी कि हर चीज़ जो भी नंबर है जो भी वेरिएबल है वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ प्रिंट होगा और हर एक को प्रिंट करने के लिए 8 स्पेसेस जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर ये इनपुट करता है यूज़र तो इसके अगेंस्ट इस तरीके से एक आउटपुट आ जाएगी, जो देखें आपको जो है वो सही लग रही है। एक फॉर्मेटिंग जो है वो है एक कह लें कि क्लीन एंड नीट वे में चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो अगला जो स्ट्रीम मैनिपुलेटर है वो फिक्स्ड मैनिपुलेटर है, ठीक है। द सेट प्रोसीजन मैनिपुलेटर कैन समटाइम्स सरप्राइज यू इन एन अनडिजायरेबल वे। व्हेन द प्रोसीजन ऑफ अ नंबर इज सेट टू अ लोअर वैल्यू नंबर टेंड्स टू बी प्रिंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द आउटपुट ऑफ 316 विद अ लार्जर नंबर ऑफ बीइंग इनपुट। तो ये बात कर रहा है कि ये वाला जो प्रोग्राम है इसी के बारे में बात कर रहा है। क्या बात करता है कि वो ये कह रहा है, ये जी मैं आगे चला गया था, तो इसके बारे में वो क्या बात कर रहा है, द फिक्स्ड मैनिपुलेटर क्या है। तो सेट प्रोसीजन मैनिपुलेटर कैन समटाइम्स सरप्राइज यू इन एन अनडिजायरेबल वे। तो सेट प्रोसीजन जो है बास का जो है ना आपकी तवक्को मुताबिक काम नहीं करता, वो आपको सरप्राइज कर सकता है। किस केस में जी, वो केस उसने बताया कि जैसे अगर ऊपर वाला प्रोग्राम अगर आप उसको इतनी बड़ी वैल्यूज के साथ चलाएं
जो कि बहुत बड़ी है। देखने इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और हमने वहाँ पे सेट सीन 5 यूज़ की थी, ये देखें, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा आप काम करते हैं तो क्या करेगा कि आपको जो है ना वो ई नोटेशन के अंदर दिखाना शुरू कर देगा वैल्यूज़, ठीक है। तो जब अगर आप इस तरीके से कोई लार्ज इनपुट दे देंगे तो आपके पास आउटपुट जो आ रही है ना वो उसको ई नोटेशन में ले जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड मैनिपुलेटर है, ठीक है। अनदर स्ट्रीम मैनिपुलेटर फिक्स्ड फोर्सेस आउट टू प्रिंट द डिजिट इन फिक्स पॉइंट नोटेशन, ठीक है। एक होती है साइंटिफिक नोटेशन, एक होती है फिक्स पॉइंट नोटेशन। तो हमारे पास एक और स्ट्रीम मैनिपुलेटर है फिक्स्ड, ठीक है, जो कि डिजिट्स को फिक्स पॉइंट नोटेशन में डिस्प्ले करेगा, फोर्स करता है कि वो फिक्स नोटेशन में डिस्प्ले करे, वो ई नोटेशन में डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ई नोटेशन है, और जबकि अगर इस तरह से प्रिंट हो तो ये फिक्स पॉइंट डिजिट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिस्प्ले है यानी कि वो फिक्स पॉइंट नोटेशन में है, तो हम फिक्स का मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे। तो देखें, उसी प्रोग्राम को उसने मॉडिफाई किया, वही 3 दिन की सेल्स ली हैं, और अब उसने क्या किया, सेट प्रोसीजर 2 रखी है, लेकिन इसने इसको फिक्स्ड भी कर दिया हुआ है, ठीक है, इसने इसको फिक्स्ड भी कर दिया हुआ है। और इसने जो है वो हर वेरिएबल को 8 स्पेसेस जो है वो दिए हैं। तो अब देखें, इस फिक्स पॉइंट नोटेशन जो है, जो हमने यूज़ की यहाँ पर, इससे क्या हुआ कि उसने पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट्स तक जो है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास नंबर है जो इनपुट किया गया, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और हम यहाँ पर प्रेसिजन 2 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बजाय इसको ई नोटेशन में, अगर आप ये फिक्स्ड का यूज़ नहीं करेंगे स्ट्रीम मैनिपुलेटर, तो वो उसको ई नोटेशन में डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि आपने फिक्स का मैनिपुलेटर यूज़ किया, तो अब वो आपको एज इट इज़ यूज़ करेगा, एज इट इज दिखाएगा जिस तरह से ये नंबर है, ठीक है। तो नट शैल क्या कि अगर सेट प्रोसीजन के अंदर आपके पास जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो कम है, और जबकि आप जो वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद ज़्यादा है, तो वो उसको ई नोटेशन में शो कर देता है। और आप चाहते हैं कि वो आपके पास रिजल्ट ई नोटेशन में ना आए, आपके पास रिजल्ट जो है वो फिक्स पॉइंट नोटेशन में आए, तो आप फिक्स्ड का स्ट्रीम मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। इस मिसाल को हम एक और तरह देख लेते हैं, जैसे ये है, इस यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट, और हम इसको 2 में प्रिंट करने जा रहे हैं 2 प्रोसीजन के अंदर, और हम साथ में फिक्स्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बता रहा है यहाँ पर आपको कि अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल हो कि आप, यानी कि आपको यहाँ पे एक और बिहेवियर बताना जा रहा है, अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल है कि आपके पास नंबर जो है उसके अंदर पॉइंट के बाद, यानी आपको उसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 7 हैं, और पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं, और आपने सेट प्रोसीजन में 2 यूज़ किया है, और साथ आपने फिक्स्ड भी यूज़ कर लिया हुआ है, फिक्स्ड स्ट्रीम मैनिपुलेटर भी यूज़ कर लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट के बाद इसको 2 डिजिट्स में लिमिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा ऊपर जाएँ तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 प्रोसीजन सेट हुई भी थी, ठीक है, और हमने जो इनपुट किया उसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो इसने 2 तक इसको डिस्प्ले किया। अगर यहाँ पे 3 होते हैं तो उसको 3 को 2 में कन्वर्ट कर देता। तो यही आपको यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास जो नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद ज़्यादा है, और सेट प्रोसीजन में आपने 2 दर किया, और साथ में फिक्स्ड का भी आपने स्ट्रीम मैनिपुलेटर यूज़ कर लिया, तो वो क्या करेगा कि इन दोनों के यूजेस से कि इस वैल्यू को वो 2 पॉइंट्स, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स, देखे ना ये 2 लिखा हुआ, तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक इसको लिमिट कर देगा, इन दो स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेशन, स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर के जरिए, ठीक है। बात तो हमें करना होता है ना कि हमने एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, और हम चाहते हैं कि भाई डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आने चाहिए, जैसे आपका GP है या CGP है, तो वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में होता है कि 3.01, 3.10, 3.26, ठीक है। तो इन केसेस में, उन केसेस में जहाँ पे हमने आउटपुट को, एक डिजिट को, एक जो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको, डेसिमल नंबर है उसको, हमने 2 डिजिट्स तक या किसी एंड नंबर ऑफ डिजिट्स तक रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसको हम इस तरीके से करेंगे, हम सेट प्रोसीजन भी यूज़ करेंगे और साथ में
सिक्स पॉइंट रोटेशन भी चूज करेंगे। सिक्स पॉइंट रोटेशन से वो एज इट इज डिस्प्ले होगा, पॉइंट का डिस्प्ले होगा, वो ई नोटेशन में नहीं जाएगा, और ये सेट मशीन के अंदर जो हम पास करेंगे वो पॉइंट के बाद अपने डिजिट्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, शो पॉइंट मैनिपुलेटर, तो बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नॉट डिस्प्लेड विद ट्रेलिंग जीरोज, एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट आर डिस्प्लेड विद अ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें कि अगर आपके पास एक x एक नंबर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4.4, और y एक नंबर है 4, 5, 6.0, दोनों में 4, 4 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और आपको 6 आप जो प्रोसीजन यूज़ कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए वो 6 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब y को आप डिस्प्ले करोगे और x को डिस्प्ले करोगे, देखें आंसर क्या आता है, x जो डिस्प्ले होगा वो ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक है, और y जो है वो ऐसे। तो आपने देखा कि उसने जीरोस को स्किप कर दिया, हालांकि इसको डिस्प्ले करते हुए क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 0 लगाने चाहिए थे यहाँ पे, ताकि ये पूरा 6 बनता, और ये जो है वो चूँकि 4 है तो 2 0 यहाँ पे लगाने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये बात कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या, फ्लोटिंग नंबर्स आर नॉट डिस्प्लेड विद ट्रेलिंग जीरोस। अगर आपके पास ट्रेलिंग जीरोस हैं एक किसी फ्लोटिंग नंबर में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नहीं होते। एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट आर नॉट डिस्प्लेड विद अ डेसिमल पॉइंट, और ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिनके बाद जिनमें पॉइंट के बाद 0 है, वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाते हैं, वो 0.0 डिस्प्ले नहीं होता। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट जो है वो उसके बाद, यानी कि आपके पास ट्रेलिंग जीरोस भी डिस्प्ले हों, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप हम यूज़ करेंगे एक नया स्ट्रीम मैनिपुलेटर जिसका नाम है शो पॉइंट। तो शो पॉइंट के ज़रिए क्या होगा कि आपके पास जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जैसे देखें ना इसके अंदर एक्स के अंदर, इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं 6 सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ, तो इधर 2 0 लगने चाहिए लेकिन अभी नहीं आ रहे थे हमारे पास, तो जब हमने शो पॉइंट का स्ट्रीम मैनिपुलेटर शो यूज़ किया तो उसने ये 2 0 इधर लगा दिया। तो इसी तरह इस 46.0 को वो 4, 4, 6 डिस्प्ले कर रहा था, जीरो शो ही नहीं कर रहा था। अगर आप चाहते हैं जीरो शो करे तो हम शो पॉइंट का स्ट्रीम मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे, तो अब वो 0 शो करेगा। तो अब देखें, जब हमने सेट मशीन 6 किया और शो पॉइंट का जो है वो स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर यूज़ किया, तो उसने अब ट्रेलिंग जीरो आपको दिखाया यहाँ पे, इसने इसको पूरे कंप्लीट 6% में 6 जो सिग्निफिकेंट डिजिट में शो किया, और ट्रेलिंग जीरोज को स्किप नहीं किया। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट मैनिपुलेटर, नॉर्मली आउटपुट इज राइट जस्टिफाइड, फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग कोड। अच्छा, राइट जस्टिफाइड का मतलब, अच्छा, जस्टिफिकेशन होती है, यानी कि आपकी अलाइनमेंट क्या होगी, एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो लेफ्ट जस्टिफाइड है कि राइट जस्टिफाइड है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ आएगा लेफ्ट जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड में क्या फ़र्क होता है, तो उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए टेक्स्ट है, तो ये अभी जो है ना लेफ्ट जस्टिफाइड है, मतलब ये कि आप टेक्स्ट देख रहे हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे जितने भी लेटर स्टार्ट हो रहे हैं वो एक ही लाइन के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, राइट साइड पे देखें, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, 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 तो राइट से जस्टिफाइड नहीं है, लेफ्ट जस्टिफाइड। अगर कोई टेक्स्ट लेफ्ट जस्टिफाइड हो तो इसका मतलब है कि उसके लेफ्ट साइड के तमाम करेक्टर्स जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर इस तरह से होंगे जैसे आप देख रहे हैं, और राइट जस्टिफाइड का मतलब है कि राइट साइड से होंगे। तो बड़ा आसान तरीका है, देखें मैं इसको, अभी ये लेफ्ट जस्टिफाइड हुआ हुआ है, ठीक है, देखें ना, और लेफ्ट लाइन हुआ हुआ है ये, अब ये राइट लाइन हो गया कि राइट साइड से जितने भी करेक्टर्स हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड, जहाँ पर लेफ्ट साइड में करेक्टर सारे जो हैं वो सारे जो यानी कि जो सारे लाइन हैं वो एक ही सारे करेक्टर एक ही लाइन में इस तरह से आ रहे होते हैं,
और ये राइट जस्टिफाइड है कि वो राइट साइड पे आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं टॉपिक के ऊपर अपने, कि लेफ्ट और राइट मैनिपुलेट। अगर आप चाहते हैं कि सी प्लस प्लस में आप अपनी आउटपुट को लेफ्ट या राइट जस्टिफाइड करें तो कैसे करेंगे, तो उसके उसके लिए हमारे पास स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर है लेफ्ट और राइट। नॉर्मली आउटपुट इज राइट जस्टिफाइड, अमूमन आउटपुट जो है वो राइट जस्टिफाइड होती है, ठीक है। यानी कि राइट जस्टिफाइड का मतलब है कि वो राइट साइड से बिल्कुल सेम होगी। जैसे ये देखें, ये एग्जाम्पल है, ये नंबर है 3 और उसको डिस्प्ले कर रहा है सेट डब्ल्यू को यूज़ करते हुए 10 10 स्पेसेस में। देखें 10 10 स्पेसेस में ये डिस्प्ले होंगे, बल्कि ये देखें, जैसे आपको मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो आप देख रहे हैं ना, ये जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये राइट जस्टिफाइड है। ये देखें यहाँ से, लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं है, लेफ्ट साइड पे सेम सेम नहीं आ रहा, ये राइट जस्टिफाइड है। ये देखिए, दिस इज राइट जस्टिफाइड। तो बाय डिफॉल्ट वही बता रहा है कि चीज़ें राइट जस्टिफाइड होती हैं, कि वो क्योंकि स्पेसेस स्पेसेस जो है वो लेफ्ट साइड पे अपेंड करता है ना, इधर स्पेसेस अपेंड हुई हैं तो इसलिए वो राइट साइड से सारे 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 डिजिट्स इक्वल आएंगे। तो ये देखिए, तो बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाइड होता है। नॉर्मली आउटपुट इज राइट जस्टिफाइड, यानी कि राइट साइड से सेम होगी। तो अगर ये जो वैल्यूज हैं फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जी इज डिस्प्लेड इन अ प्रिंट फील्ड ऑफ 10 स्पेसेस द आउटपुट ऑफ द सी आउट स्टेटमेंट इज, तो इस आउटपुट जो होगी ना इसकी इस स्टेटमेंट की, जैसे इसने आउटपुट सही पता नहीं क्यों नहीं लिखी, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसको ना हम इधर कोड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा आई ओ मैंने भी मैंने यूज़ नहीं की, वो मैं डाल दूँ क्लोड आई ओ मैन आई पी, ठीक है। तो इसको मैं रन करूँ तो ये देखें, देख रहे हैं ना आप, आउटपुट राइट जस्टिफाइड है, राइट जस्टिफाइड है, राइट साइड से इक्वल है, लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से इक्वल हो तो आप क्या करेंगे, इस लेफ्ट का स्ट्रीम एनवर्टर ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसने ये किया हुआ है, यहाँ पे इसने खाली इसको एक्स को लेफ्ट जस्टिफाइड किया, बाकी इसको राइट जस्टिफाइड दिया। हम इसको कॉपी करते हैं, स्टेटमेंट्स को उधर प्रिंट पेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो देखें, सॉरी मतलब ये देखें कि आपने लेफ्ट का यूज़ किया, लेफ्ट का स्ट्रीम एनवर्टर यूज़ किया तो उसने तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट जस्टिफाइड कर दिया। या आपने ये यूज़ नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट तो राइट होता है, अगर मैं नहीं कि अगर आप ये यूज़ नहीं करते, मैं इसको हटा देता हूँ, तो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो देखें बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाइड है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट का यूज़ कर लेते हैं तो अब जो है वो आपके पास लेफ्ट जस्टिफाइड आ जाएगा। और जिस तरह लेफ्ट है इस तरह राइट भी है, अगर आप यहाँ पर राइट लिखते हैं आर ए जी एच टी राइट, तो ये इसको राइट जस्टिफाइड कर देगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, और इसमें इसकी समरी है कि हमने इस टॉपिक के अंदर बेसिकली उसने आपको बताया कि आप चाहते हैं कि आउटपुट को हमने फॉर्मेट करना है तो कैसे करना है, यानी कि स्ट्रीम टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले हो, तो उसके मुताबिक उसने आपको कुछ स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर्स के बारे में बताया। सबसे पहले उसने आपको बताया सेट डब्ल्यू के बारे में। सेट डब्ल्यू जो है वो प्रिंट फील्ड जो है एस्टेब्लिश करता है, यानी कि वो आपने कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो उसके लिए कितनी स्पेसेस यूज होंगे, कितने कितने प्रिंट फील्ड यूज होंगे, ये एन जो है वो स्पेसिफाई करता है। तो सेट डब्ल्यू को हम एक नंबर पास कर देते हैं 5 6 जो भी आप पास करना चाहें, और वो उस वेरिएबल को उतने स्पेसेस में डिस्प्ले कर देता है। फिक्स्ड क्या करता है, फिक्स जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को फिक्स पॉइंट नोटेशन में डिस्प्ले करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप फिक्स्ड यूज़ नहीं करते तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ई नोटेशन में शो होते हैं। तो फिक्स्ड का स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर यूज़ करने की वजह से आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को फिक्स पॉइंट नोटेशन में शो कर सकते हैं। शो पॉइंट क्या करता है, कॉस द डेसिमल पॉइंट
एंड ट्रेलिंग जीरोज़ टू बी डिस्प्लेड इवन इफ़ देर इज़ नो फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो शो पॉइंट का जो स्ट्रीम ऑपरेटर है वो ट्रेलिंग जीरोज़ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, या अगर कोई ऐसा आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें जिसके कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो वो भी इसको, यानी कि उसमें आपको डॉट पर जीरो जीरो दिखाएगा। ठीक है, सेट प्रोसीजन जो है वो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की प्रोसीजन को सेट करने के लिए यूज़ होती है कि आपने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक अपनी वैल्यू शो करनी है। यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, 2, 3 जो भी आप चाहें। और लेफ्ट का मतलब है कि आपकी जो है आउटपुट है वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी, राइट का मतलब है कि वो राइट जस्टिफाइड होगी। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हर टॉपिक के बाद उसमें आपने दो काम जो बाय डिफॉल्ट करने हैं वो ये कि आपने अपना जो है वो जो आपके चेक पॉइंट क्वेश्चन हैं वो भी आपने करने हैं, और जितनी एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये जो चेक पॉइंट क्वेश्चन हैं और जितने एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, कुछ कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है वो जिससे भी पूछना चाहें, जो भी आप जो है वो करना चाहें, जिस जो कोई मसला है, कुछ कोई आप क्वेश्चन हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये जो है मेरा चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो मुझे जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी लेक्चर्स की तो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।